प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है 2021 का पेपर जो है डिस्कस कर रहे थे, उसका सॉल्यूशंस। तो आगे के क्वेश्चंस को हम लोग जो है डिस्कस करते हैं और समझते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है मैंने एस्केप किया डियर, क्योंकि वो बेल फाउंडेशन और मशीन फाउंडेशन से रिलेटेड हैं। तो उसके जब मैं आप लोगों को कवर करूँगा तब मैं आपको बता दूँगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने भी उसे जो है ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ा था और इसीलिए जो है मैं उसको स्किप किया। बट बाकी जितने भी मुझे आते थे, मैंने जितना भी पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आपको जो है मैंने कवर किया है। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो है आपका बेल फाउंडेशन और मशीन फाउंडेशन है, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेनली उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है देखने को बेल फाउंडेशन और मशीन फाउंडेशन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, बट आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में होता है। इसलिए मैं आप लोगों को वो चीज़ कवर करवा दूंगा, बट थोड़ा मुझे टाइम चाहिए उसको पढ़ने के लिए। यह कि पाइल फाउंडेशन डी यानी डी फाउंडेशन आपका पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया, साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में सॉइल एक्सप्लोरेशन और लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कंसोलिडेशन वगैरह से भी। तो उसको जो है भी एक बार क्विक रिवीजन जो है हम लोग इस कोर्सेज में अपना जो है कर लेंगे, ताकि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। उसके बाद जो है सॉइल एक्सप्लोरेशन जो टॉपिक है, जो कि आपको थोड़ा बहुत समझ लेना है, तो उसके बारे में भी जो हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो डियर आपका जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे दिया गया है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर दैट अकर्स इन फाइनाइट स्लोप, एक्सप्लेन देम, है ना, एक्सप्लेन करना है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट स्लोप होता क्या है। तो फाइनाइट स्लोप जो है वैसा स्लोप होता है जिसमें बाउंडेड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, है ना। टॉप और बॉटम में क्या होता है, एक बाउंड्री जो है बना होता है। जो फेल्यूअर सरफेस होता है फाइनाइट स्लोप का, वो सर्कुलर या स्पाइरल आपका होता है। ये आपका टोई है और यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड का ये मान लो कि यहाँ पे एलिवेशन है और यहाँ से जो है पानी क्या जा रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्लिप सरफेस जो है ये डेवलप हो जाएंगे और अलग अलग जोन जो है यहाँ पे बन जाएगा। बात किया जाए टाइप्स ऑफ फेल्यूअर की इन फाइनाइट स्लोप में, तो सबसे पहला फेल्यूअर होता है फेस फेल्यूअर। फेस फेल्यूअर जो है वो अकर होता है व्हेन सॉइल ऑफ अपर पार्ट इज वीकर देन सॉइल ऑफ द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट का ये जो सॉइल है, है ना, ये क्या होता है, वीक होता है एज कम्पेयर टू अपर पार्ट के। उस कंडीशन में फेस फेल्यूअर होता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व वेन एंगल ऑफ स्लोप इज़ वेरी हाई, जब एंगल ऑफ स्लोप, ये जो स्लोप है बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, मान लो ये अभी तो अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से हाई एंगल ऑफ स्लोप हो जाए, तो वो उस कंडीशन में भी जो है फेस फेल्यूअर देखने को मिलता है। तो ही फेल्यूअर कब होता है, वेन अकर्स, इट अकर्स वेन सॉइल अबव एंड बिलो द टोई इज होमोजीनियस एंड सेम, है ना, होमोजीनियस हो या फिर सेम हो टोई के पास में जो सॉइल्स हैं वो, तो उस कंडीशन में जो है टोई फेल्यूअर जो है आपका होता है। इट इज़ अकर्ड, ये ऑब्जर्व किए जाते हैं व्हेन एंगल ऑफ स्लोप एक्सीड्स 53 डिग्री इन केस फेल्यूअर सरफेस पासेज थ्रू द टोई। अगर हमारा जो स्लोप का जो एंगल है वो 53 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ये जो स्लोप है, है ना, ये स्लोप का जो एंगल है ये अगर अभी मान लो कि अगर 35 है तब तो आपका टोई फेल्यूअर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये 53 से ज़्यादा डिग्री होगा ये जो है फेल हो जाएगा। उसके बाद आता है बेस फेल्यूअर। बेस फेल्यूअर जो है ये आकर होता है, देखने को मिलता है कब, जब सॉइल जो है लोअर पार्ट वो वीक हो जाए देन सॉइल ऑफ अपर पार्ट। अपर पार्ट के कंपैरिजन में लोअर पार्ट जो सॉइल है वो क्या हो जाए, वीक हो जाए, तो उस कंडीशन में ये जो बेस फेल्यूअर है ये हमें देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे आपको जो फेस फेलियर है और जो बेस फेलियर है वो लगभग सेम चीज़ें हैं, मतलब दोनों ही देखने को जो है हमें उसी कंडीशन में जो है देखने को मिलता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया हूँ, है ना। इस क्वेश्चन में तो किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहा होगा। देखो डियर, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर बेटर नंबर लाने हैं तो, और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आप दो बार तीन बार पढ़ लोगे, लेकिन जब तक उसको खुद से लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर आप हमारे इस वीडियोज़ को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो MRS स्टडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि लाइक जब आप करते हैं तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को फाउंडेशन इंजीनियरिंग या जिस भी सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, और उस इंटरेस्ट के बेसिस पे ही जो है आप लोगों को और बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश रहती है। डियर, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि डिटरमाइन करना है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ राफ्ट इन सैंड में जिसका यूनिट वेट जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है विद एवरेज कैरेक्टेड SPT वैल्यू जो है 18 है। एज्यूम करना है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है 1.5 मीटर है एंड विड्थ जो है 6 मीटर है। द मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ 40 mm कैन बी अलाउड फॉर राफ्ट। राफ्ट के लिए 40 mm जो है मैक्सिमम सेटलमेंट अलाउ कर सकते हैं। एज्यूम करना है कि जो वाटर लेवल है वो एट 3 meters बिलो द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से 3 meters नीचे है। तो यहाँ पे गिवन डाटा हमारा क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है कि सॉइल कैसा है, सैंडी सॉइल है जिसका यूनिट वेट जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है, यानी यहाँ पे आपका गामा का वैल्यू दिया गया है, ठीक। इन जो है 18 दिया गया है, डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है 1.5 मीटर है, विड्थ जो है 6 मीटर है, इस जो है यानी सेटलमेंट जो है फुटिंग का SF कह सकते हो या S कह सकते हो वो है आपका 40 mm, और जो वाटर टेबल का जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल वो 3 meters है बिलो ग्राउंड लेवल। एज पर मैक्सिमम सेटलमेंट सो नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड, अगर मैक्सिमम सेटलमेंट है तो कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है पेक हैंसन इक्वेशन यूज करेंगे, QNS=0.41 NSCW। CW कैलकुलेट करने के लिए ये वाटर टेबल करेक्शंस होता है 0.5 × 1+DF/B+DF, ये फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे DW और DF का तो आ जाएगा CW=0.7। N का वैल्यू 18 है, S का वैल्यू जो है 40 है, तो इन वैल्यू को जो है हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 में या A में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा QNS=206.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये आपका आ जाएगा। फॉर सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी के लिए QS=QNS+DF/40×γ=206.6×1.5×20 यानी 236.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो है आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है आपका निकल जाएगा। तो इजी है, बस आपको जो है सारे फॉर्मूले एक बार क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। जैसे ही आपके एक बार फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे आपको याद हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है कि सॉइल एक्सप्लोरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि डिटरमाइनिंग द सॉइल टाइप एंड कंपोजिशन, दूसरा मेजरिंग द सॉइल शियर स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिबिलिटी, तीसरा आइडेंटिफाइंग एनी जियोलॉजिकल फीचर्स एंड हजार्ड्स दैट मे अफेक्ट कंस्ट्रक्शन, चौथा इवेल्युएटिंग द सॉइल्स ड्रेनेज प्रॉपर्टीज, पांचवा असेसिंग द सॉइल्स रेजिस्टेंस टू इरोजन एंड
लिक्विफैक्शन में किस तरीके से जो है रजिस्ट करता है सॉइल, उसका एनालिसिस करना, डिटरमाइनिंग द ग्राउंड वाटर लेवल एंड क्वालिटी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन, रिटेनिंग वॉल्स, स्लोप एंड अदर स्ट्रक्चर्स, ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगला क्वेश्चन है डायनेमिक पाइल फार्मूला का क्या लिमिटेशंस है वो बात करेंगे। तो डायनेमिक पाइल फार्मूला जो है ये वाइडली यूज किए जाते हैं कैपेसिटी ऑफ पाइल को प्रिडिक्ट करने के लिए या समझने के लिए, जानने के लिए। तो इसका लिमिटेशन है कि ये जो है कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल के लिए जो है एप्लीकेबल होते हैं। जैसे जो सॉइल होना चाहिए वो यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म और होमोजीनियस सॉइल नहीं है तो उस कंडीशन में ये जो फार्मूला है डायनेमिक पाइल फार्मूला ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद पाइल के लेंथ के ऊपर जो है डिपेंड करता है। बोला जाता है कि पाइल का जो लेंथ होना चाहिए वो फुल कैपेसिटी ऑफ पाइल को जो है डेवलप करना चाहिए, लेकिन ये अजम्पशन जो है हमारा कई बार जो है फेल हो जाता है। उसके बाद तीसरा है कि जो डायनेमिक पाइल फार्मूला है इसमें हैमर जो है उसको जो जब ड्राइव किया जाता है पाइल पे तो 100% एफिशिएंसी के साथ जो है करवाया जाता है। ये अजम्पशंस हैं, लेकिन ये अजम्पशन जो है गलत हो जाते हैं। कब? यहाँ पे जो है क्या होता है कि कुछ लॉसेज होता है ड्यू टू फ्रिक्शन या एनर्जी लॉसेज या अदर फैक्टर्स, जिसके कारण से जो है जो एक्चुअल जो कैपेसिटी होता है पाइल का वो 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाता है। तो ये भी जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये लिमिटेशंस हैं। उसके बाद पाइल इंस्टॉलेशन के दौरान ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी पाइल इंस्टॉल किए जा रहे हैं वो करेक्टली इंस्टॉल किए जा रहे हैं और कोई भी उसमें इंस्टॉलेशन में डैमेज नहीं है। लेकिन हमारे जब भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है तो कहीं ना कहीं पाइल जो है अफेक्टेड होता है अपनी बियरिंग कैपेसिटी, और इंस्टॉलेशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती ही हैं, लेकिन इसको नेगलेक्ट करके चला जाता है। उसके बाद आता है टाइम एफर्ट में क्या होता है कि जो अजम्पशंस लिए जाते हैं कि भाई टाइम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ इफेक्ट ऑफ टाइम, है ना। एनालिसिस जब स्टैटिक एनालिसिस करते हैं तो टाइम के इफेक्ट को अकाउंट नहीं करते हैं, लेकिन वास्तविक में जब भी हम लोग पाइलिंग करते हैं तो एक्सपीरियंस चेंज इन कैपेसिटी ओवर टाइम ड्यू टू फैक्टर्स सच एज कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, चेंजेस इन वाटर टेबल एंड चेंजेस इन लोडिंग कंडीशन, इन सभी कंडीशंस के बेसिस पे हमारा जो है टाइम फैक्टर होता है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ते हैं वैसे वैसे इसमें से कई सारी चीज़ें जो है चेंजेस होती है, या तो वाटर टेबल चेंज हो रहा हो या लोडिंग कंडीशन चेंज हो रहा हो या कंसोलिडेशन सॉइल का हो रहा हो। तो ये चीज़ें के कारण जो है हम लोग पाइलिंग जब करते हैं तो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि ओवर द टाइम दिस मे बी इफेक्टेड, बट एज्यूम क्या करते हैं कि भाई कोई भी टाइम का इफेक्ट इसमें नहीं आ रहा। तो ये भी अजम्पशन जो हमारा गलत हो जाता है, जो कि रियलिटी पॉसिबल नहीं है। ये जो है ये यूज नहीं किए जाते हैं क्ले के लिए, और इसमें जो वेट होते हैं हमारा पाइल का और इनर्शिया इफेक्ट, इसे भी जो है नेगलेक्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट ही क्वेश्चन है। इसमें जो है आपका बोला गया है कि शॉर्ट नोट्स आपको जो है बनाने हैं। पहला है आपका ई लॉग पी कर्व। ये जो ग्राफ है ये बताता है रिलेशन बिटवीन लॉगरिथम ऑफ पार्शियल या पार्टीशन कोफिशियंट पी ऑफ कंपाउंड एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट। जो पार्टीशन होते हैं कोफिशियंट इज मेजर ऑफ हाउ अ कंपाउंड डिस्टर्बेंस बिटवीन टू इमिजुअल फेजेस सच एज पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। इन द ई लॉग पी कर्व जो होता है वो होता है एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट करता है लॉगरिथम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, एंड वाई एक्सिस जो है ये रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथम ऑफ द पार्टीशन कोफिशिएंट। उसके बाद फेलियर इन सैलो फाउंडेशन जो है का फेलियर कैसे होता है, तो कई सारे कॉजेज हैं सैलो फाउंडेशन के फेलियर के। पहला कि पुअर सॉइल कंडीशन। अगर सॉइल का कंडीशन पुअर रहेगा तो हमारा फेल करेगा, सेटल करेगा, जिसके कारण से
इन एडिक्वेट डिज़ाइन, अगर प्रॉपर डिज़ाइन हमारा फाउंडेशन का नहीं किया हुआ रहेगा तो भी जो है फेल होंगे। इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, अगर सही से उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तो भी फेल होंगे। और मान लो कि लोड हमें जो है 10 किलो न्यूटन पे जो है हमने डिज़ाइन किया, लेकिन लोड हम लोग कितना लगा रहे हैं, लोड लगा दे रहे हैं हम लोग 12 किलो न्यूटन या 50 किलो न्यूटन, तो ओवरलोड हो जा रहा है। तो जब ओवरलोड किसी भी स्ट्रक्चर्स का होगा तो फाउंडेशन ऑब्वियसली हमारा उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा और जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। शैलो फाउंडेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उसके अलावा सॉइल कंडीशन को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे फेलुअर कंडीशन भी हमारा जो है चेंज हो जाएगा। और ओवर द टाइम है ना, इरोजन या सेटलमेंट के कारण से भी जो है कई बार हमारा फाउंडेशन जो है फेल होता है, शैलो फाउंडेशन। अगला जो टर्म है वो है वाश वॉरिंग। वाश वॉरिंग के बारे में आपको बताना है, ये एक तरीके का मेथड है सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें हम लोग ड्रिलिंग किए हैं, बोरहोल करते हैं यूजिंग सिलेंड्रिकल सैम्पलर, जिसको वाश वॉरिंग टूल कहा जाता है। और इस टूल जो है ये आपका स्टील का बना होता है और इसका काम होता है कि कट करना एट द बॉटम, बॉटम में जो है उसको कट करते हुए जाता है, विच इज़ यूज टू पेनीट्रेट द सॉइल। और इसका जो है पेनीट्रेट होते हुए जो है इस तरीके से जो है राउंड राउंड करते करते जो है आपका जाता है। ये कॉमनली जो है यूज किए जाते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग में टू ऑब्टेन सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल को प्राप्त करने के लिए जो है जनरली यूज किए जाते हैं वाश वॉरिंग का। और इससे डिटरमाइन किया जाता है सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स का एट ए पार्टिकुलर साइट, जिस भी साइट पर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है उसका। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड जो है ये जियोफिजिकल टेक्निक है जो कि यूज किए जाते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो सब सरफेस कंडीशंस होते हैं ग्राउंड का, उसका जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड यूज किए जाते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल और रॉक इन ऑर्डर टू इन्फर द सब सरफेस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं सब सरफेस का, उसमें इन्फर करने से पहले जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखते हैं सॉइल और रॉक का। ओके, उसके बाद अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में आपको समझना है वह क्लासिफिकेशन ऑफ बल्क हेड। क्लासिफिकेशन ऑफ बल्क हेड की बात किया जाए तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बल्क हेड जो है आपका फंक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बेसिस पे क्या किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन की बात किया जाए तो रिटेनिंग बल्क हेड, फ्लोड प्रोटेक्शन बल्क हेड, सी वॉल बल्क हेड। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल की बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है बल्क हेड का, तो कंक्रीट बल्क हेड, स्टील सीट पाइल बल्क हेड, टिम्बर बल्क हेड, कैम्बियन बल्क हेड। तो ये इस तरीके से जो है क्लासिफाई करते हैं। आप अगर एग्ज़ाम में चाहें तो इन जो भी क्लासिफिकेशंस के बारे में मैंने बताया उसके बारे में एक एक दो दो पॉइंट आप जो है अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकते हो, अगर आप उसको कवर करना चाहते हो ज़्यादा अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करना चाहते हो। तो अगर आपके पास ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास सफिशियंट टाइम होने चाहिए, ये ना कि आप करते जा रहे हो आपके पास टाइम ही नहीं है। तो आपको टाइम का भी जो है ख्याल रखना है कि आपके पास टाइम है या नहीं है। उसके बाद ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल। ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल जो है ये बिहेवियर है कि जो इंस्टॉल करते हैं हम लोग पाइलिंग करते हैं वो उसको जो है क्लोज एक दूसरे के क्लोजली जो है ग्राउंड में करते हैं ताकि वह स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सके। जो ग्रुप एक्शन होते हैं पाइल का वो अफेक्ट करते हैं कई सारे फैक्टर्स होते हैं, स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स, पाइल डायमीटर, लेंथ ऑफ पाइल्स, सॉइल टाइप्स और अप्लाइड लोड, उसके बेसिस पे जो है हमारा जो पाइल का जो ग्रुपिंग होता है वो अफेक्टेड होता है। ये जो है ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल जो है ये इंक्रीज करता है ओवरऑल जो कैपेसिटी होता है फाउंडेशन सिस्टम का, उसको क्या करता है बढ़ाने का काम करता है। तो आई होप कि जो 2021 का मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करवा लिया है ना, 2021 का जो AKU का पेपर था वो आपको जो है पूरी तरीके से समझ में आया हो। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल MRS स्टडी जो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं हमारी इस वीडियोस को,
तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, ताकि इससे जो है हमें एक मोटिवेशंस मिले और इससे आप लोगों को और बेटर कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा सके। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी अपडेट्स दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।